राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर भलोटिया मार्केट में दवा विक्रेता समिति ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया, जिसके संबंध में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का 500 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है, जिससे हम सभी दवा विक्रेता बहुत खुश हैं। इस अवसर पर हम लोगों ने पूरी दवा मंडी को सजाया और इस मंदिर निर्माण से पूरा शहर राममय हो गया। अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो हम सभी दवा विक्रेता अयोध्या जाते। यह 5 पीढ़ियों की तपस्या का फल है, जिसके लिए हम सभी दवा विक्रेता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद देते हैं, जिनके प्रयास से यह निर्माण सफल हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, योगेंद्रनाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। आज अयोध्या में दशरथ नंदन भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उसका शिलान्यास हुआ है। योगी जी और तमाम लोग, देश के गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित थे, इसलिए पूरे देश के साथ अयोध्या में जो खुशी का माहौल है, वही इस गोरखपुर नगरी में भी माहौल है, क्योंकि इस आंदोलन की नींव यहीं से पड़ी थी। बाबा वैद्यनाथ और योगी आदित्यनाथ द्वारा, अशोक सिंघल जी द्वारा यहाँ से एक रगड़ भेजी गुजी थी और लोग अयोध्या में पहुँचे थे। और आज अगर ये लॉकडाउन का पीरियड नहीं रहता, कोरोना वायरस का पीरियड नहीं रहता, तो शायद गोरखपुर से हम सभी दवा विक्रेता आज अयोध्या में पहुँचे होते और वहाँ एक कुंभ का माहौल होता। इस अवसर पर हम सभी लोग मिठाई बांटकर, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसको राममय रूप में एकदम सजा दिया गया है। झंडारोहण हम लोगों ने किया है और राम और हनुमान के चित्र के साथ गुब्बारा रात भर सजाया गया है और बहुत प्रफुल्लित और बहुत खुशी है। उसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हम अपने उत्सव को मनाएं। और सारे दवा विक्रेताओं से आह्वान किया गया है कि आज सभी लोग दीपोत्सव मनाएं, अपने घर में दीपक जलावें, मोमबत्ती जलावें और पूरा शहर जगमग जगमग दिखने लगे।